जय हिंद बच्चों। चलिए आइए हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे एसीसी रीजनिंग के मॉडल पेपर की। इसमें बच्चों आपका 25 क्वेश्चन आने हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके कॉन्सेप्ट आप कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे। यहाँ से बच्चों अगर जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे और आपको बच्चों काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ बच्चों कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन, हाउस का बच्चों आपका दिया गया ए बी सी डी एफ लिखा जाता है, होम का बच्चों ये लिखा जाता है, तो माउस का क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले भैया आपका सेम कोडिंग है, तो इसको यम को मिलाओ, यम को मिलाओ, आपका कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। आगे ओ दिया गया है, ओ का आपका क्या है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यू, यू का आपका कितना हो जाएगा, सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो जे बी सी बच्चों आपका, जे बी सी बहुत सारे दो में दिया गया अभी, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं यस दिया गया बच्चों, यस आपका क्या है, डी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। ई का आपका क्या है बच्चों, यफ है, तो यहाँ पे यफ हो जाएगा। सी डी एफ आपका क्या हो जाएगा, सी डी एफ बच्चों आपका जे बी, आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चों पूछा गया है कौन पहले आएगा, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ई ए बच्चों, सब में ई ए दिया गया है, तो यहाँ जी है, सी है बच्चों, आर है, जी है, तो सबसे पहले तो सी आता है, पाँच से शुरुआत होता है, तो पाँच से शुरुआत बच्चों सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन हो गया। यहाँ बच्चों बात करते हैं एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, अगला बच्चों चार का क्यूब, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों आपसे बोला गया है कौन सा इसमें रंग है, ये छः का स्क्वायर, ये सात का स्क्वायर, ये दस का स्क्वायर बच्चों, ये बारह का स्क्वायर, ये बच्चों आपका चौदह का स्क्वायर, यहाँ पे आपका दिया गया है सोलह का स्क्वायर, ये बच्चों आपका अट्ठारह का स्क्वायर। तो इसमें बच्चों सारे इवन दिख रहे हैं, लेकिन ये बच्चों कैसा है, ऑड है, यही आपका गलत है, और गलत वाला आपको ढूंढना था। यहाँ बच्चों अगर बात करते हैं, देखिए चार चार का पेयर आप बना लीजिए, तो आपको आसानी से बच्चों ये पता चले, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं टोटल, चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह है, सोलह है टोटल। अब देखिए यच आई जे एच, यच आई जे एच, यच आई जे एच, यच आई जे एच, तो यहाँ पे क्या भरा, ये भरा जाएगा बच्चों आई एच जे आई भरा जाएगा, आई एच जे आई आपका ए पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं ईटानगर का, अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बच्चों आपका ईटानगर है, तो यहाँ पे त्रिपुरा क्या, इम्फाल है बच्चों, नहीं, नागालैंड का क्या हो जाएगा, कोहिमा, ये करेक्ट है, बाकी सारे क्या है बच्चों, गलत है। आगे बात करते बच्चों टी आपका दिया गया है, यहाँ पे टी क्यू आर है बच्चों, टी क्यू आर का जो कोड है यहाँ पे आपका 18 4 22 बच्चों, 17 4 21 यहाँ पे आपका टी, 20 और 20 3 आपका 23, 17 4 21 18 4 22 यहाँ पे आपका जो है 20 4 24, तो यहाँ बच्चों 30 19 यहाँ यस होना चाहिए बच्चों, 19 4 आपका 23 बिल्कुल बीच में नहीं है, 4 4 सब में जुड़ रहा है बच्चों, ये आपका 5 4 कितना आ जाएगा, 9, 4 4 कितना हो जाएगा आपका 8, फिर 4 और 2 बच्चों कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे अगर बात करते हैं 4 और 3 बच्चों क्या आ जाएगा, 7, आई एच एफ जी आ जाएगा बच्चों, आई एच एफ जी आपका डी पार्ट आसानी से मिल पाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, देखिए घुटना, कंधा, हथेली बच्चों, तो इसमें मूवेबल सारे चीज़ है बच्चों, लेकिन जो पाल्म है, हथेली बच्चों मूवेबल नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, जो आप बच्चा चाहता है घर बैठे तैयारी करना, बिल्कुल बच्चों उसके लिए आसान है, आज ही आप डाउनलोड करिए एमकेसी लर्निंग ऐप, ये ऐप डाउनलोड करेंगे बच्चों, जहाँ पे आप सीडीएस सीपीए बच्चों, एफकैट, एसीसी, आईसीसी का बच्चों आप आसानी से बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में तैयारी कर सकते हैं। आज ही कॉल करिए 9696330033 पर और फटाफट ज्वाइन हो जाइए। अब यहाँ बच्चों बात करते हैं पूजा की ओर संकेत करते हुए, विक्रम ने कहा उसका पिता, अब यहाँ पे ये आप पहले लिखो, मेरा जहाँ से स्टार्ट है, विक्रम आपका ये हो गया, विक्रम मेरा, माँ, माँ मतलब बच्चों इनकी माता जी, विक्रम की माता की बहन, तो बहन बच्चों यहाँ पे आ जाएगी, बहन का पुत्र है, तो पुत्र बच्चों किसका बात कर रहे हैं, ये पुत्र बच्चों, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा है, तो पूजा के बोल रहा है उसका पिता, तो पूजा का पिता है ये आदमी, तो पूजा का क्या हो जाएगा बच्चों, ये पिता हो जाएगा ये आदमी। अब यहाँ पे हो गया, अब बात करते हैं पूजा का, पूजा कौन है भैया विक्रम का, तो इसके भाई का लड़का बच्चों भतीजी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, भतीजी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक व्यक्ति पूरब की ओर बच्चों 5 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर गया कितना बच्चों, 5 किलोमीटर, फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है बच्चों और कितना चलता है, 4 चलता है, तो यहाँ से 4 चलता है बच्चों, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ बच्चों कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है भैया, सेम डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, से 6 लड़कियों वृत्त में केंद्र की ओर बच्चों मुंह करके बैठी खड़ी हुई हैं, तो यहाँ बच्चों आपका दिया गया है इस तरीके से 6 लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं आपका, 6 लोग हैं। अब आपका दिया गया है कि रेखा, बिंदु और बिजी, यहाँ पे बिंदु बिजी की बाईं ओर है, तो बच्चों बोला गया है कि बिंदु ये बिजी है, यहाँ बच्चों बिजी है,
बिंदु यहाँ पे बिंदु बीजी की बाईं ओर है, बिंदु आपका क्या हो जाएगा बीजी की बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, रेखा भैया आपका बिंदु और मुमताज के बीच में है, यहाँ पे मुमताज के बीच में है, ठीक है। जेसी बीजी और निर्मला के बीच में है, जेसी बीजी और निर्मला के बीच में, जेसी जो है बीजी और निर्मला के बीच में है। अब आगे मुमताज की बाईं ओर कौन है, मुमताज के बाईं ओर बच्चों आपका निर्मला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा। आगे बात करते हैं येलो है, येलो बच्चों आपका वाइट, वाइट है रेड का बच्चों आपका ब्लैक आ जाएगा, रेड का अपोजिट बच्चों आपसे पूछा गया है क्या हो जाएगा आपका ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ये इसके अपोजिट में आएगा, ये दोनों एक साथ दिखना नहीं चाहिए, और ये दोनों बच्चों एक साथ तीन जगह दिख गए इस वजह से तीनों डाइसियर नहीं हो सकती हैं। आगे बच्चों बात करते हैं 4 इंच आकार के बच्चों, यन बराबर सबसे बड़ी साइड क्या है बच्चों 4, एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े बच्चों लाल हरे काले रंग के, इसे 1 इंच में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, यन की वैल्यू 4i काटा जाता है। कितने घनों के केवल 2 फलक दिखाई देंगे भैया, 2 फलक रंगे हुए होंगे, तो 2 फलक बच्चों कहाँ मिलते हैं एज पर मिलते हैं, कितनी एज होती बच्चों 12, एन माइनस आपका क्या हो जाएगा 2, तो 12 × बच्चों 4 − 2 = 2, 12 × 2 कितना आ गया आपका 24 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 24 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 30 जनवरी बच्चों 2003 को बृहस्पतिवार है, तो यहाँ बच्चों 2 मार्च को 30 जनवरी, तो यहाँ बच्चों 30 जनवरी 2003 को आपका क्या दिया है बच्चों बृहस्पतिवार है, यहाँ पे क्या दिया बृहस्पतिवार, 2 मार्च आपका क्या हो जाएगा 2 मार्च 2003 को क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चों जनवरी फरवरी मार्च ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना दिन बाकी है जनवरी 31 दिनों का, फरवरी बच्चों कितना दिनों का होगा यहाँ पे 28 और 2, तो ये तो भैया आपका 7 से भाग देंगे 0 आएगा, 2 + 1 = 3 दिन बचेगा, कैलेंडर बच्चों आप आगे जा रहे हो 3 दिन आगे चले जाओ। बृहस्पतिवार के बाद बच्चों शुक्रवार शनिवार रविवार, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका रविवार हो जाएगा, डी पार्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट 2 अंक का विपरीत बच्चों 5 1 आपका क्या हो जाएगा कॉमन, 2 का बच्चों आपका क्या आ जाएगा 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्रिकेट की गेंद बच्चों, हॉकी की गेंद हल्की, अच्छा क्रिकेट की जो गेंद है बच्चों यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ पे क्या बोला गया क्रिकेट की, क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, तो क्रिकेट की मतलब हॉकी बच्चों भारी हो जाएगा, हॉकी की गेंद क्या हो जाएगी भारी हो जाएगी, वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, वॉलीबॉल फुटबॉल अभी है ही नहीं है, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से अब यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी जगह कब पड़ रही है तो हमें पीछे कर लेना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट के आगे क्या हो जाएगा हॉकी, अब आगे पढ़ो आप, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, ये भैया मतलब भारी कौन सा होगा फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल वाली गेंद क्या हो जाएगी भारी हो जाएगी। अब ऊपर पढ़िए वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, तो वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की मतलब इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे वॉलीबॉल की गेंद आ जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों वॉलीबॉल की गेंद आ जाएगी, ये हुआ। लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है, तो यहाँ बच्चों आपका हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, लेकिन टेनिस की गेंद से बच्चों क्या है भारी है, टेनिस की गेंद मतलब इसके पीछे कौन आएगा टेनिस आएगा बच्चों इसके पीछे, सबसे अधिक भारी तो भैया फुटबॉल सबसे आगे है, फुटबॉल क्या हो जाएगा सबसे वजन हो जाएगा। जो बच्चा चाहता है किसी पब्लिकेशन की बुक मंगाना बिल्कुल बच्चों आसान है आपके लिए, आज ही बच्चों जो है जाइए मेन साइट पर www.majorkalsiclasses.com पर 25% डिस्काउंट के साथ ये बच्चों फ्री डिलीवरी है, आप आसानी से घर बैठे ये बुक बच्चों मंगा सकते हैं, आज ही जाके ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ बच्चों बात करते हैं, देखिए अगला आपका दिया गया है प्लस का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, माइनस का मतलब आपका क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा, गुणा का मतलब बच्चों भाग हो जाएगा, और गुणा का मतलब क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, और भाग का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, बाकी तो सारे खत्म हो गए बच्चों इतने ही तो बचे हैं, फिर यहाँ पे इसको आप सॉल्व करिए, तो सबसे पहले भाग करेंगे तो बच्चों 6 से 6 तरीका आपका 18 और यहाँ पे कितना बचेगा 3 × 2 = 5 = 6 कितना आ जाएगा 54, यहाँ बचा आपका प्लस 800 से आप जब भाग दोगे तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहले 8 से गुणा करो, 8 × 5 कितना आ जाएगा 40, 8 × 2 = 16, 4 = 20, 8 × 8 = 32, 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 4 = 20, 8 × 6 = 48, 48 × 2 = 50,
और बच्चों 2 0 इसका। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 2 और 2 4 अंक के बाद बच्चों दशमलव कितना आ जाएगा आपका 50, 50 और 30 बच्चों 80, 80 9 कितना आ जाएगा आपका 89, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों यहाँ पे सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। हमसे पूछा गया कंप्यूटर इंटरनेट सूचना संचार प्रौद्योगिकी, बच्चों कंप्यूटर इंटरनेट बच्चों दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों आईसीटी के पार्ट है बच्चों, ये कौन सा आ जाएगा बी पार्ट आ जाएगा। इसमें जब आप चेक करो बच्चों यहाँ पे अगला लाने के लिए इंटरचेंज किया गया, बीच वाला सेम रखा गया है, फिर बच्चों अगला लाने के लिए देखिए यहाँ पे ये इसको बदला गया, इसको यहाँ पे रखा गया, इसको यहाँ लाया गया, फिर अगला लाने के लिए बच्चों इंटरचेंज किया गया है, बाकी सेम रहा बीच वाला। फिर आगे बात करते बच्चों इसको जो है 3 1 को यहाँ लाया गया, 6 5 को यहाँ बच्चों, इसको यहाँ लाया गया, फिर अगला लाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा इंटरचेंज करना, 7 4 सेम रहेगा, 7 4 बच्चों क्या रहेगा सेम रहेगा आपका यहाँ पे दिया गया, 3 5 बच्चों इंटरचेंज होंगे, 5 3 हो जाएंगे, यहाँ ऐसा हुआ नहीं तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका डी पार्ट आ जाएगा। अगली बात करते बच्चों यहाँ पे देखिए ये आपका डायगोनल था बच्चों स्क्वायर हो गया यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म पता चला आपको। अब यहाँ से बात करते हैं देखिए गदा जो था बच्चों आपका कोने पर था, अब यहाँ पे गदा कहाँ पे बच्चों कोने पर है, तो ये कहाँ कोने पर है तो ये कहाँ चला जाएगा, तो आप बताओ कि ये कोने पर है तो भैया ये तो आपका गदा जो है कोने पर ही चला जाएगा ना, कोने पर था कोने पर ही जाना चाहिए। अब गदा बच्चों यहाँ पे कोने पर है तो कोने पर ही जाना चाहिए, दोनों में गया है। अब यहाँ बच्चों ये कोने पर है तो ये साइड पर चला गया, ये कोने पर है तो साइड पर चला जाएगा, तो यहाँ पे साइड है नहीं तो यहाँ पे साइड पर है, तो आपका कौन सा आ जाएगा सी पार्ट आ जाएगा। यहाँ बच्चों बात करते हैं कौन सा आपका दिया गया है कि फिगर को कंप्लीट करता है, तो भैया अगर हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ से जाएगी, तो एक लाइन तो मुझे सब में गया हुआ है। अच्छा अगर बात करते बच्चों यहाँ पे आपका ये है तो ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, तो ऐसा बच्चों यहाँ तो आया ही नहीं है, यहाँ से आया है, यहाँ भी नहीं आया है, यहाँ भी नहीं आया है, तो आपका पास कौन सा बचा बताओगे बी ऑप्शन बचा। यहाँ बच्चों दिया गया है कि जल आकृति कौन सी होगी, अगर जल आकृति की बात करते बच्चों इसका वाटर इमेज की बात करते हैं तो देखिए पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज बच्चों दूर जाएगी, तो मतलब ये पास वाली चीज बच्चों जो उभरा ये गड्ढा है तो ऊपर वाली नीचे वाली चीज बच्चों ऊपर बन जाता है, तो ये पूरा ऊपर तो बनेगा लेकिन ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा पूरा पलटेंगे हम लोग तो ये आपका ऊपर की तरफ खुलेगा, और जो कि खुला हुआ है किसमें बच्चों आपका सिर्फ बी पार्ट में। आगे बात करते देखिए कॉटन बच्चों दिया गया है, यहाँ पे कॉटन को क्या लिखा गया है देखो सी ओ टी है बच्चों, टी ओ सी हो गया, टी ओ एन है आपका एन ओ टी हो गया, 3 3 लेटर को आपको बदला गया है तो यहाँ 4 4 को बदल दो, एस टी एच जी हो जाएगा बच्चों, एस टी एच जी आपका यहाँ पे एस डी एच जी बच्चों आपका किस में दिया गया है सिर्फ डी ऑप्शन में दिया गया। अगला 12 8 बच्चों आपका यहाँ पे 20 20 चौका सी, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, तो 12 बार ही बच्चों 144 और 8 28 64 इसको घटाओ देखो बच्चों बिल्कुल आ रहा है 80, 16 16 256 बच्चों -49 बिल्कुल आपका आ रहा है, एक बार जोड़ दो चाहे तो एक बार घटा के बच्चों गुणा कर दो, यहाँ पे 25 25 625 माइनस बच्चों आपका 441 कितना आ जाएगा आपका 4, 12 आपका 8 कितना हो जाए, अच्छा यहाँ पे आपका 5 आपका 4 यहाँ क्या हो रहा है एक मिनट आप फिर से चेक कर लो, देखो यहाँ बच्चों आपका 12 बरहीम 144 और यहाँ पे 80 आ गया, 16 16 256 -49 16 में से बच्चों 9 गया 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 4 में से 4 गया 0 तो यहाँ बचा कितना आपका 2 बचा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करते हैं एक बार इनको घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो भाई एक बार आपका जोड़िए मतलब एक बार इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना है, तो एक बार जोड़ेंगे बच्चों 20 20 40 40 40 और 40 5 1 6 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा, और गुणे कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे एक बार घटाएं कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 4 6 कितना आ जाएगा आपका 24, और यहाँ पे भैया कितना आ जाएगा आपका 2, 4 4 4 16 16 2 18 184 आना चाहिए, यहाँ पे भी आप चेक कर लो चाहो तो 625 और माइनस बच्चों 441 कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा, और 12 में से 4 जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, ये बच्चों ऑप्शन आपका ठीक नहीं है, इस ऑप्शन को आप सही कर लेना, यहाँ पे आएगा 184 ठीक है 184 आ जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे ऑनलाइन एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन बच्चों ऐप, ये ऐप लेकर बच्चों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ बच्चों मात्र 199 में ये आपका शुरू है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, जय हिंद एवरीवन। सो अगेन वी आर बैक विद वन मोर मॉडल पेपर ऑफ योर ACC, जिसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लेवल को हर तरीके से मैच करते हैं। सो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू पॉज, रीड द क्वेश्चन आंसर और फिर चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
वी स्टार्ट विद अ पैसेज, 25 क्वेश्चंस मोर और लेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को 50 मार्क्स का मोर और लेस एवरेज है आपका. चलिए, बिकॉज गोल्ड फिश कैन बी केप्ट ईजली इन स्मॉल पॉन्ड्स एंड एक्वेरियम्स, दे मेक गुड पेट्स, दे मस्ट हैव प्रॉपर केयर एंड द राइट काइंड ऑफ प्लेस टू लिव. अ 2-inch फिश रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 2 gallons ऑफ वाटर कंटेनिंग सफिशियंट ऑक्सीजन to support life. Some oxygen will make its way into the water of an aquarium from the air that touches the surface. Plants in an aquarium also help to furnish oxygen. Snails help to keep an aquarium clean. Thus, with plenty of plants and snails, the water in an aquarium does not have to be changed frequently क्योंकि ये already उसको clean कर देते हैं. A large lake may prove to be a quite unsuitable abode. Abode माने घर, abode माने वो जगह रहने वाली, for goldfish. It is important that goldfish should not be overfed. इनको overfed नहीं किया जाना चाहिए. They can be fed such things such as dried insects in addition to commercially prepared goldfish food. But they should never be fed more than once a day. मतलब इनको सिर्फ एक बार खाना देना होता है दिन में, ठीक है. Even then, they should not be given more than food that can be consumed in about 5 minutes. This ensures prolonged life. जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ हो जाती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है बच्चों. चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. तो देखो, गोल्ड फिश शुड बी गिवन फूड ओनली वंस अ डे. पहले ही स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको हम मान लेंगे. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, वाटर इन द एक्वेरियम नीड्स टू बी चेंज्ड इफ, कब. स्नेल्स मेक द एक्वेरियम, ये तो बिल्कुल सही है. 2 gallons ऑफ वाटर सफिशियंट. गोल्ड फिश कैन बी मेड गुड पेट्स, यस बिल्कुल. देखो ये जो कह रहे हैं ईटिंग अप गोल्ड फिश, बच्चों गोल्ड फिश तो नहीं खाती, तो ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे नॉट ट्रू क्या हो जाता है, ए इज द करेक्ट पार्ट. नेक्स्ट, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिनोनिम, है ना. देखो गार्निश, गार्निश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एम्बेलिश करना, है ना, सजाना, सुसज्जित करना. तो यहाँ पे ऑनर माने इज्जत, रिस्पेक्ट, ओवे मानना, हो गया क्या, एडॉन, एम्बेलिशमेंट, सिनोनिम हो जाएगा बच्चों. सिनोनिम फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट, अबैंडन, अबैंडन माने क्या होता है बच्चों, त्याग देना, है ना. अबैंडन माने क्या होता है, त्यागना. अब देखो एक्सक्यूज, फॉरसेक माने भी त्यागना, सिनोनिम अर्ज माने रिक्वेस्ट करना, रिस्क माने पता ही है आपको भाई किसी चीज़ का जोखिम उठाना. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है, फॉरसेक, अबैंडन, रिलिंक्विश, फॉरसेक. नेक्स्ट, कॉन्ट्रोवर्शियल, एंटन फाइंड आउट करना है. कॉन्ट्रोवर्शियल माने जो डिस्प्यूटेबल हो, विवादित हो. ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डूबियस नहीं होगा, अनसर्टेन नहीं होगा, क्वेश्चनेबल भी नहीं होगा, अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसका कोई डिस्प्यूट ना हो, है ना. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आने से पहले भाई देखिए, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसको आपको क्या करना है, आज ही जाके डाउनलोड कर लीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप, वेर इन यू विल गेट ऑल द फीचर्स. और कॉल करिए 9696330033 पे इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिलेटेड टू आर ऑफलाइन कोर्सेज. नेक्स्ट, नरिश, नरिश का मतलब क्या होता है भाई, नरिश का मतलब पालन पोषण करना. एंटोनिम देखो, स्टार, स्टार माने भुखमरी, फॉस्टर माने भी पालन पोषण, सस्टेन माने रहना, स्ट्रेंथन मतलब एनर्जाइज करना. आंसर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, स्टाफ, भूखा रहना. नेक्स्ट, वाइन वॉज सब्स्टिट्यूशन, अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजन, उसको कहते हैं बच्चों सेलर. हॉल और गराज तो भाई जहाँ पे गाड़ियाँ रखी जाती हैं, हॉल भी नहीं. एटिक इज अ प्लेस, अ स्पेस बिलो रूफ ऑफ अ हाउस. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेलर, ठीक है. नेक्स्ट, फ्री somebody फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को फ्री करना, उसको क्या कहते हैं, एक्सोनिरेट. क्विट माने छोड़ देना, त्याग देना. रेप्रीमांड माने किसी को ब्लेम करना, है ना. एक्सक्यूज माने भी एक्सक्यूजेस देना. सो हमारा आंसर क्या हो जाता है, एक्सोनिरेट, टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट. नेक्स्ट, वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर को कहते हैं क्या, डैमेज मतलब नुकसान हो जाना, मतलब बिल्कुल खराब हो जाना वो चीज़, वेयर एंड टेयर. नेक्स्ट, हैंड एंड ग्लव, हैंड एंड ग्लव का मतलब हो जाता है घनिष्ठ मित्रता, क्लोज एसोसिएशन, क्लोज रिलेशनशिप में. तो हैंड एंड ग्लव का मतलब हो जाता है इन क्लोज रिलेशनशिप. ओके, नाउ यू हैव टू टेक द करेक्ट वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग्स. इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग देखो क्या होती है, INDEPENDENCE. अब ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है बच्चों, इंडिपेंडेंस, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में. तो ए इज द करेक्ट वर्ड. नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका, टिक मार्क द करेक्ट वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी का स्पेलिंग क्या होता है, कहाँ मिल रहा है, चेक करो जल्दी से. अगेन, ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट,
देखिए कंटेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं हमारे एमकेसी के एनडीए एसीसी आईसीजी एसीएफ कैट चैनल पर, राइट? ये मॉडल पेपर्स है जो आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चंस अपग्रेड करने में. जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप अडेप्ट होते चले जाओगे. तो ये उसी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं. फाइन क्वेश्चन, द पोस्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन. बच्चों हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपके पास एक वर्ड आ गया है डिस्क्राइब, टेल, ठीक है, ये सारे अगर आपके वर्ड्स आ गए हैं, डिस्कस, इनके बाद हम सीधा सीधा ऑब्जेक्ट देते हैं, प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता. तो यहाँ पे डिस्क्राइब के बाद हमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है. एरर किस पार्ट में है? एरर हमारा बी पार्ट में है, इसके बावजूद कि पढ़ने में सही है. नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम. अब देखो नीदर ईदर हो गया, नीदर हो गया, ईदर हो गया, ईच हो गया, ये सब हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं. तो ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ठीक है, बट यहाँ आर नाउ के क्या हो जाएगा? इज. एरर किस पार्ट में? बिफोर बॉम्बे. नेक्स्ट, नेक्स्ट आने से पहले भाई देखिए, अल्टीमेटली आपके पास 25% डिस्काउंट के साथ ये सारी बुक्स आपको अवेल कराई जा रही हैं. तो आज ही जाइए जल्दी से और इन बुक्स को परचेज करें, क्योंकि जब आप कंटेंट प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस के साथ, ओनली देन यू कैन रीच योर लेवल ऑफ प्लेस. नेक्स्ट, द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स. तो देखो यहाँ पे एबल नहीं होगा, एबल्ड सर्विसेज हो जाएगा. जो मिशन है वो प्रोवाइड करता है अच्छी सर्विसेज, एबल्ड सर्विसेज, पार्टिसिपल फॉर्म. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है आपका पी क्यू आर एस. पी क्यू आर एस बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होता है और स्कोरिंग भी होता है. अब मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है क्यू एस पी, एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स ऑफ, शुरुआत एस से होगी, एक ही ऑप्शन है. तो जो एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स है किसके? अमिताभ बच्चन के. हैव अ लॉट फॉर टुडेज एम्बिशियस यंगस्टर्स टू लर्न फ्रॉम हिम. एस पी आर क्यू आर इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एथेंस. अब एथेंस क्या था? वॉज नॉट ओनली, पहले नॉट ओनली आता है फिर आता है बट ऑल्सो. तो एथेंस वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट डेमोक्रेसी, पी एस, पी एस हमारा यही ऑप्शन है, द फर्स्ट डेमोक्रेसी, बट इट वॉज ऑल्सो एट इट्स हाइट ऑफ एन ऑलमोस्ट परफेक्ट डेमोक्रेसी, पी एस आर क्यू. नेक्स्ट, दो गांधी जी वॉज. अब देखो विच एंड ही से शुरुआत होगी, नहीं बचा आर, आर से एक ही ऑप्शन है. दो गांधी जी वॉज एन इनकॉरिजिबल आइडियलिस्ट, ही वॉज एसेंशली अ लवर ऑफ मैन काइंड एंड नॉट ऑफ मियर आइडियाज, जिसकी वजह से उसको, उनको क्या हुआ, एक उनका दिल बहुत लविंग था. आर एस क्यू पी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, ऑन जनवरी 31st. अब देखो डेट्स ही दी हुई है, तो ये डेट से उसके बाद ईयर दिया हुआ है एज अ होल, राइट? तो ऑन जनवरी 31st 49, तो ये आर से शुरुआत है, आर से एक ही ऑप्शन है. तो ऑन जनवरी 31st February 4 and 9 शी कंप्लीटेड 3 स्पेस वॉक्स फ्रॉम द आईएसएस विद मिशेल लोपेज अल्जीरिया. बिल्कुल सही आंसर. देखो आप लोग पहले इसको प्रैक्टिस करना, चेक करो कि आंसर्स कितने गलत है, ज्यादा गलत हो रहे हैं कंटेंट पे जाओ, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट. द बॉयज वेंट इनसाइड क्या हो जाएगा? वेंट इनसाइड द रूम, तो मतलब कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन. नेक्स्ट, दे लिव डैश द फिफ्थ फ्लोर क्या हो जाएगा? दे लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर. नेक्स्ट, शी डैश एनी नॉलेज ऑफ योर वेयर अबाउट्स, मतलब उसने, अब डिक्टेट बोलेगी तो नहीं, रीगेन मतलब पुनः याद करना, होप्स आशा करना, शी डिनाइज उसने मना कर दिया कि हमें नहीं पता भाई तुम्हारा, तुम्हारा था पता, कुछ नहीं पता, डिनाइज. नेक्स्ट, रिमेन्स डैश कासल्स फॉर्म अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ अ सिटीज बोथ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लेजेंड्स. रिमेन्स जैसे कि कासल्स, जो कासल्स होते हैं भाई उसी से तो पता चलता है कि पहले की हिस्ट्री क्या हुआ करती थी. बिल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द न्यूज वॉज डैश गुड टू बी ट्रू. अब आगे टू आ गया है तो यहाँ पे आ जाएगा टी डबल ओ. कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बॉम्बे. तो ये थे हमारे कुछ मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो अगेन आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करने वाले हैं. मिलते हैं अगले ऐसे किसी मॉडल के पेपर के साथ. बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद. जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे. और हम आपके सामने लेकर आए एसीसी का एक बेहतरीन मॉडल पेपर, जहां से आपसे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं. आपको पता चलेगा किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है, क्योंकि एग्जाम तो सभी देते हैं लेकिन टैकल उसको कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे पैटर्न आते हैं, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं. और चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई है. प्रकाश वर्ष, लाइट इज द यूनिट ऑफ. प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन आपके सामने, डिस्टेंस, मास, टाइम और नन. इन सब में से कौन सा है जो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर की यूनिट को रखता है? तो भाई जैसा कि लोगों को लगता है कि लाइट
ईयर आ गया ना, ईयर मतलब ये टाइम का होगा, बट ऐसा नहीं है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, ये दूरी का मात्रक होता है, या दूरी का मात्रक होता है, ये दूरी की इकाई होती है। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। ज्यादातर बच्चे सिर्फ टाइम लगा देते हैं, जो कि गलत होता है भाई, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अच्छा एक बात और यहाँ पर और बता दूंगा आपको, जो लाइट ईयर है ये सबसे बड़ी यूनिट नहीं है। अगर आपसे पूछता है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस की सबसे बड़ी इकाई, तो वो होती है पारसेक। पारसेक डिस्टेंस की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, और आपको पता होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, कह रहा है इनमें से कौन सा कम ध्वनि की चाल के लिए सही है। Which of the following order correct for speed of sound? कौन सा क्रम साउंड यानी कि ध्वनि की चाल के लिए सही है। तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होती है, गैस में, और किसमें होती ही नहीं है, वैक्यूम में। वैक्यूम में चले जाइए आप, चिल्लाते रहेंगे हेलो हेलो, कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर साउंड ट्रैवल ही नहीं करता है। सबसे ज्यादा किसमें करता है साउंड ट्रैवल, वो भी सॉलिड में। आपने देखा होगा ट्रेन की पटरियों पर हम कान रख के उस साउंड की, ट्रेन की आवाज़ सुन लेते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। 5 किलोमीटर दूर डिस्टेंस से ही हमें उसका आवाज़ पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है, भले ट्रेन दिखाई ना दे। तो सबसे ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में, देन लिक्विड में, और फिर गैस में। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, इनमें से कौन सा फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो इसको मैंने कई बार क्लास में बताया है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, 4 मूल बल होते हैं, उनमें से पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इन्हीं चारों फोर्सेस में से आपसे पूछा जाता है सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है। तो सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स की जब हम बात करते हैं तो वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से पिंड का पलायन वेग होता है। भाई साहब एस्केप वेलोसिटी, अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी कितना होता है। अगर इस बॉडी को हमने फेंका ऊपर तो फिर नीचे आ जाता है, क्यों, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो कितनी वेलोसिटी से इसको फेंके कि ग्रेविटी इसको खींचे ना और ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला जाए, जिसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द बॉडी विल लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से अगर किसी को भेज देंगे ना तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला जाएगा, जैसे कि रॉकेट। रॉकेट को इससे ज़्यादा स्पीड या इतनी स्पीड से भेजते हैं, इसीलिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साउंड वेव इन एयर डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन दैट दे कैन नॉट बी, वायु में ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें नहीं होता है। कई बार मैंने क्लासेस में बताया है और बार बार बताता आ रहा हूँ, साउंड के पास में पोलराइजेशन नहीं होता है, बाकी सब होता है। ध्वनि के पास में ध्रुवीकरण नहीं होता है, वो पोलराइज नहीं होता है। पोलराइज कौन होता है, लाइट। और यहाँ पर कह रहा है वायु में ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें नहीं होता है, उसमें ध्रुवण नहीं होता है। बाकी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, ये तीनों साउंड के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेटिंग सन अपेयर्स टू बी एट एल्टीट्यूड हायर देन इट रियली इज, दिस इज बिकॉज ऑफ, डूबते समय सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन। भैया ये अर्थ है, हम लोग अर्थ पर खड़े हैं, ठीक है, और इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है। जब सनसेट होता है ना तो डूबते समय अपनी वास्तविक ऊंचाई का, अपनी वास्तविक आकार का थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, क्यों, लाइट आती है
इंटर होती है और रिफ्रैक्ट होती है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें वो क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आपको बार बार बताया जाता है कि हमारी क्लासेस की सीट, चाहे वो CDS हो, CPF हो, FCAT हो, ACC हो, हर एक क्लास की क्लासेस कॉन्टिन्यूस और बेहतरीन ढंग से चलती है, तो यू कैन ज्वाइन। और बहुत ही कम समय के लिए ऑफर भी आपके सामने दिया गया है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग है, वायु में ध्वनि का वेग, बिल्कुल, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, कहीं कहीं 332 भी लिखा होगा, तो शर्माने की जरूरत नहीं है, वो भी लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ दी, तो ये एनर्जी का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट आवर यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट आवर। एक किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय नहीं है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। तो आयरन से तो बनता ही है ना मैग्नेट, निकिल से भी बनता है और कोबाल्ट से भी बनता है, किससे नहीं बनता, सिल्वर से, सिल्वर इज नॉट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दैट्स वाई सिल्वर सही है, चांदी सही है, चांदी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो इसी तरीके से मिलते हैं हम अगली क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मेरे कॉलेज क्लासेस प्लेटफॉर्म, और आप देखना शुरू कर चुके हैं ACC यानी आर्मी कैडेट कॉलेज का GK का मॉडल पेपर। 25 सवाल आते हैं आप सभी को पता है, और इसलिए हम लोग पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपको पता है इसे क्या एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है, फिल्मों को दिया जाता है। तो भारत में इस बार किसको दिया गया है, जिस फिल्म को RRR को दिया गया है, और वो भी नटू नटू सॉन्ग के लिए। कौन सा ही सम्मिलित नहीं है, तंबाकू दिवस 31 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून, जल दिवस 22 मार्च, सब सही है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस नहीं, ओके 15 अगस्त करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश का स्वतंत्रता कब हुआ, तो 1971 में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मिसाइल, तो अब्दुल कलाम भारत में जाने जाते हैं फादर ऑफ मिसाइल। उसके बाद विच इज नॉट मेंशन, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल करेक्ट, दिलीप ट्रॉफी करेक्ट, डूरंड कप फुटबॉल से होता है, दिस इज इनकरेक्ट, आगा खान करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, बिकॉज कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी NDA खड़गवासला में है, ठीक। उसके बाद कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो गुजरात आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, जयदेव विष्णु शर्मा, ठीक। अगला सवाल, ऑनलाइन तैयारी के लिए आप हमारे पास एम्बिशन लर्निंग जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और लिमिटेड टाइम ऑफर है, आगे कोई भी जानकारी लेने के लिए आप 9696330033 पर कॉल करें। ऑनलाइन तैयारी के लिए CDS, CPF, FCAT, ACC, ICGC सारे एग्जाम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। चले विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये थी S भंडार नायक, ये कहाँ की थी प्रधानमंत्री, ये थी श्रीलंका की, तो आंसर होगा ये S भंडार नायक है श्रीलंका की। भारत डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आपको पता है हरियाणा के करनाल शहर में है डेयरी रिसर्च सेंटर। हर क्रांति जनक कहलाते हैं, तो MS स्वामीनाथन कहा जाता है। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो बहुत फेमस एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है गुन्नार मेडल, इन्होंने एशियन ड्रामा लिखी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इसकी नगरों में रहती है। इको मार्क जो चिन्ह दिया जाता है वो संबंधित है पर्यावरण से, ठीक, मिट्टी का घड़ा बना रहता है उस पर। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है, चाहे नेटिव चाहे नॉन नेटिव, यानी कि पूरी दुनिया के लोगों को मिलाया जाए, जो भाषा बोल सकते हैं वो, तो सबसे ज्यादा लोग जो भाषा बोल सकते हैं वो इंग्लिश है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय होता है न्यूयॉर्क में, इनमें से तो कोई भी नहीं है, न्यूयॉर्क, ओके। राष्ट्रीय आय क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसलिए आंसर डी सही आंसर यही है, ठीक है। 25% डिस्काउंट पर फ्री डिलीवरी के साथ हमारी MKC पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल है, सभी मीडियम, दोनों मीडियम में है, सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप चाहते हैं आप उसमें ऑर्डर कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर दीजिए, आराम से आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी। नाबार्ड क्या है, तो एक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंक है,
तो यहाँ पर सिर्फ क्या दे रखा है, तो एक कृषि विकास बैंक, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1982 में स्टैब्लिश किया गया। सॉफ्ट करेंसी का मतलब होता है, सॉफ्ट करेंसी का मतलब होता है जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो लेकिन डिमांड कम हो। अब किस ऑप्शन में है, जिसकी पूर्ति मांग से कम हो, नहीं पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो, ठीक है, तो ऑप्शन बी था करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्थापित की गई, तो पहला ऑप्शन सही है इसमें। तो आगे देखें, असम का काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो सफ़ेद हाथी एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ओके, पेरिस सीन नदी के किनारे है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, सीन नदी, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सम्मिलित नहीं है, रोम टाइबर नदी के किनारे है, सही, खार्तूम नील नदी के किनारे है, ये भी सही है, वियना डिन नदी के किनारे है, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है, ठीक है, टिग्रिस रिवर, सीन नहीं, सीन के किनारे तो पेरिस है, तो ऑप्शन डी मैच नहीं करता है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर अभी क्या मानेंगे, वो है डी। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी यानी सडन फॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स बहुत बड़ा तूफान आने वाला है झंझावात, तो स्टॉर्मी वेदर यानी तूफानी मौसम। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कर लो, बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक में है, दुधवा यूपी में है, सिमलीपाल बहुत फेमस है उड़ीसा में है, सरिस्का राजस्थान में है, तो A3B4 इसमें है, A3B4 ये तो पहला ही है, A3B4 C2 बिल्कुल, और D1 करेक्ट, तो ए वाला ऑप्शन पर होगा ये, जो करेक्ट है। तो ये थे ACC GK के 25 सवालों का मॉडल पेपर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कितना किया है, आप वीडियो लाइक पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो जय हिंद जय भारत। तो जय हिंद सारे वॉरियर्स, कैसे हैं सभी, सबका फिर से वेलकम है उनके फेवरेट से चैनल पर। शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को, हम आज आपके लिए पहले की ही तरह फिर से ACC का मॉडल पेपर लेकर आपके सामने है। आपको हर एक टीचर सब्जेक्ट वाइज अपने बेहतरीन प्रयासों द्वारा बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाट आई एम आल्सो ट्राइंग। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जनरल साइंस के सेक्शन से आता है, जो आपके सामने यहाँ है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, व्हाट इज़ द वेट या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ़ वी से, अगर हम वैसे बात करते हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग निग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, लेकिन फिर भी अगर हम लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, ठीक है जी। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही हलवा होगा आपके लिए वैसे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करने वाला कौन था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को खोजने वाला कौन था, राइट देखा जाए कौन थे, क्या वो जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, फ्लेमिंग थे या चैडविक थे। हम सभी जानते हैं जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ की डिस्कवरी करी थी। ओके, ठीक है, तो जे थॉमसन जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉन को खोजा था। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फ्यूचर एलिमेंट, निम्न में से कौन सा एलिमेंट फ्यूचर एलिमेंट कहलाता है, क्या वो टाइटेनियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है या नन। तो आप आराम से देखें तो दैट इज टाइटेनियम, टाइटेनियम इज कॉल्ड द फ्यूचर एलिमेंट, ठीक है। टाइटेनियम को हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य का तत्व यानी कि फ्यूचर एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द सोडियम मेटल, और यहाँ पर आपको एटमिक नंबर और मास भी प्रोवाइड करके रखा हुआ है, बहुत ही आसान है। हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये दोनों ही हमारा क्या निर्धारित करते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमें यहाँ मिल रहा है 11, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 11 होगी, ठीक है ना। अब हमने देखा कि न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, तो हम 11-24 कर देंगे, ठीक है, हम क्या कर देंगे, 11-24 कर देंगे, हमें जो ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, तो शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर इसका एटॉमिक, ओके ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे 24-11, ठीक है,
तो हमें यहाँ क्या मिलता है, वेट यहाँ पर हमें 23 रखना है, 24 नहीं, ओके यहाँ पर हमें 23 रखना है, 24 नहीं, और हमें लगभग 12 मिलता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमारे न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 11, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या होगी 12, प्रोटॉन की संख्या होगी 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 11, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट रहा है, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, यहाँ पर 11, यहाँ पर 23 होना चाहिए, यहाँ पर 11, फिर हम जब इसका रेशियो लाएंगे तो हमें लगभग 12 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का फिर से हिंदी रूपांतरण है, हम यही मानेंगे, है ना, हमने जैसे देखा था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 24 दिया गया है इसको 23 करेंगे और 23 माइनस 11 करेंगे और हमें लगभग 12 आंसर मिलेगा, 12 यानी कि इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 12 और न्यूट्रॉन 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन फिर से, विच वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एडिबल सॉल्ट, भाई खाने वाला जो नमक होता है उसका फॉर्मूला कौन सा है, क्या वो NaCl है, KCl है, CaCl है या फिर नन। बहुत ही आसान क्वेश्चन फिर आपके सामने, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई बार बीच में घुसा दिए जाते हैं हार्ड क्वेश्चंस के बीच में। NaCl ही है हमारे एडिबल सॉल्ट का फॉर्मूला, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर, भाई जो सिरका होता है जिसे आप खाते हो, है ना, सिरके में कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, देखा जाए क्या वो एसिटिक एसिड है या फिर क्या वो प्रोपोनोइक एसिड है, हाइड्रोनिक एसिड है या फिर मेथनोइक एसिड है। सिंपल सी बात है एसिटिक एसिड, सिंपल सी बात है एसिटिक एसिड। मेथनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक के अंदर, चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस इतने बेहतरीन हैं, हमारी टीम इतना काम कर रही है बेटा आप सबके लिए, हम सभी आपके लिए इतना बेहतर काम कर रहे हैं, और आप फिर भी परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि मैम या सर या खुद से परेशान होते हो, हम सही अप्रोच कहाँ मिलेगी, हमें सही गाइडेंस कहाँ मिलेगा, तो भटकना बंद करिए, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही आपकी सही डेस्टिनेशन है, जहाँ आपको मिलता है 25% का डिस्काउंट सभी स्टडी मटेरियल्स के ऊपर, वो चाहे जो भी आपकी प्रिपरेशन हो फौज से रिलेटेड, क्योंकि हमारा मोटो यही होता है ना कि हर देश का बच्चा फौजी बनेगा, वर्दी पहनेगा, क्योंकि आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं रह जाओगे, आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिलता है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, ठीक है। तो इसे अवेल कराएं और भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी अब नहीं है आपको। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, वॉट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, Na2CO3.10H2O, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग पाउडर निर्मा, ठीक है, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे बता रही हूँ आपको। विच वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट फॉर सोडियम, ठीक है, सोडियम के लिए सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो सोडियम का, ये एस है बेटा, 5 नहीं होगा, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है, दैट इज द रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम, ठीक है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू द जनरेशन ऑफ, भैया हमारा जो मिल्क होता है, मिल्क कर्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कौन सी ऐसी केमिकल बन जाती है कि वो मिल्क था पहले, है ना, मीठा था, फिर वो सौर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, किस एसिड की वजह से ऐसा होता है, क्या वो एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है या ऑक्सैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, है ना, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो मिल्क होता है वो क्या हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन बिकॉज ऑफ, भाई जल में उसकी जो वाष्पीकरण ऊष्मा होती है वो बहुत उच्च होती है, उसका कारण क्या है, है ना, किसकी वजह से ऐसा होता है, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग या फिर नन ऑफ दिस। आप सिंपल सी बात देखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम H2O में देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जो कि उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देती है, इनहेंस कर देती है।
नेक्स्ट वन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय, यानी कि रतौंधी नामक रोग किससे होता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्टिव कॉर्निया, डिफिशियंसी ऑफ रोडोप्सिन इन रोड्स और ऑफ विटामिन ए। बिल्कुल सही बात है, आप हिंदी में भी देख लो एक बार, है ना। रात्रि अंधता इनमें से किसके कारण होती है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, क्षतिग्रस्त कॉर्निया, रेडॉप्सिन रंजकों की रॉड में कमी या विटामिन ए की कमी। बिल्कुल विटामिन ए की कमी या फिर रेडॉप्सिन रंजक की कमी की वजह से इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात्रि अंधता होती है। ठीक है, जैसे जैसे उजाला कम होता है ना, लोगों को दिखना कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माइक्रोब्स कैन लिव इन, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे कहाँ रह सकते हैं? लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, बोथ ए एंड बी या डेड बॉडीज में? ठीक है, कहाँ रह सकते हैं? लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, बोथ ए एंड बी में या डेड बॉडीज में? बोथ ए एंड बी में, ठीक है, बोथ ए एंड बी में। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ये भी इसमें आ सकता है, लेकिन ज्यादा सही ये दोनों है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, निम्न में से व्यवसाय जनित रोग कौन सा है? यानी कि आप जानते हैं बेटा, बहुत सारी होती है जो कि प्रोस्टिट्यूशन होता है ना, प्रोस्टिट्यूशन एक व्यापार होता है ना, इसके अंतर्गत कौन सा सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाला रोग है? वो एड्स होता है, एचआईवी होता है, क्योंकि कैंसर तो जीन से उत्पन्न होता है, सिलिकोसिस पोल्यूटेड डिजीज है, और तपेदिक जो होता है ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो सबसे सही आंसर यहाँ पर हमारा एड्स है। ठीक है, एड्स एड्स है जो कि व्यवसाय जनित है, यानी कि अच्छा। थायरोक्सिन क्या है? एक एंजाइम, एक हार्मोन, एक विटामिन या एक अपशिष्ट यौगिक? थायरोक्सिन इज एन एंजाइम, अ हार्मोन, अ विटामिन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। व्हाट, क्या है इसमें से? आप सिंपल सी बात देखो, थायरोक्सिन इज अ हार्मोन, है ना, थायरॉइड ग्लैंड द्वारा सिक्रेट होता है थायरोक्सिन हार्मोन, और आयोडीन की हेल्प से ये बनता है। आयोडीन की डिफिशियंसी से हमको ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर करें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, पोलियो रोग किसके द्वारा होता है? पोलियो रोग किसके द्वारा होता है? पोलियो डिजीज इज कॉज्ड बाय, पोलियो डिजीज इज कॉज्ड बाय किसके द्वारा? कीटाणु द्वारा, फंफूद द्वारा, जीवाणु द्वारा या कीड़ों कृमि द्वारा, है ना। यहाँ इंग्लिश में देखते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई। पोलियो जो होता है किससे होता है बेटा? वायरस द्वारा, पोलियो वायरस। समझ में आई बात? तो दैट इज द सम अप ऑफ दिस सेशन फ्रॉम मी। अच्छा, आप ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं, आप चाह ही रहे होंगे, ढूंढ ही रहे होंगे, तो बिल्कुल यहीं रुक जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। अगर आप ऑफलाइन चीज़ों को ज्वाइन नहीं कर सकते तो हमारी बेहतरीन ऑनलाइन सुविधाओं का यूज़ करिए, क्योंकि ये केवल और केवल आपके डिफेंस कोर्सेज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मिलते हैं हम लोग इसी प्यारी सी बात के बाद किसी और ऐसे ही सेशन में, तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेयर कल्सी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ACC का ह्यूमैनिटीज का जीके का मॉडल पेपर। ओके, ह्यूमैनिटीज वाला, जीके का नॉर्मली अलग होता है और ह्यूमैनिटीज का वो भी जीके ही होता है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग कुछ क्वेश्चंस का थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें पॉलिटी ज़्यादा आती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ओके, सो इसमें कुल 25 सवाल मिलेंगे आपको, तो देखते हैं। पहला सवाल, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी मानी जा सकती है? तो वो कौन सी मानी जाएगी? यहाँ पर CO2, इसी की वजह से देश परेशान है। ओके, चलिए। दो, पृथ्वी कितने परसेंट भाग पर जल है? 70.78% भाग पर जल है। भारतीय राज्य पे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, आगे देखें, संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? पूरी दुनिया में ऐसे कहाँ उदय होता है? ये होता है ब्रिटेन में। संघ की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस में होती है? राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में होती है। वित्तीय बिल यानी फाइनेंस बिल के लिए किसकी अनुमति जरूरी है? प्री कंसेंट, मनी बिल, वित्तीय बिल नहीं, मनी बिल, धन विधेयक, तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति की अनुमति पहले चाहिए होती है। संसद की बैठक आहूत कौन करता है? कौन सेशन को, मतलब कॉल द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो ये कौन होता है? अलग ही स्थिति हो जाएगी। संसद की बैठक, बैठक संसद की बैठक मान लेते हैं, चलो राष्ट्रपति ही है। सवाल बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं है। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अनपेड लेबर इज प्रोहिबिटेड? आर्टिकल 23। 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। सीडीएस
सीएपीएफ एफकैट एसीसी आईसीजीसी कॉलेज तैयारी करने के लिए आप क्या करें, एमकेसी का एक लर्निंग ऐप है, आप डाउनलोड करें और अधिक से जानकारी पाने के लिए आप 9696330333 पर कॉल कर लें। ओके, सरदार पटेल सचिव का नाम क्या था? बीपी मैनन था, पर्सनल सेक्रेटरी। ओके, हु डिड 1857 का विद्रोह लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो वो कौन थी? बेगम हजरत महल थी। ठीक, आगे देखें, जयपुर शहर की स्थापना जय सिंह द्वितीय ने की थी। हु वाज द रूलर ऑफ मौर्य, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो बृहद्रथ था ये तो। ठीक, अंतिम राजा जो मौर्य वंश का था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, तो ऑप्शन सी। नया एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसमें कोई नहीं है क्योंकि के वेंकट रमानी है। कौन है? के वेंकट रमानी, वेंकट रमानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ओके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट आईपीपीबी वित्तीय साक्षरता यानी महिलाओं के बीच बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस लिटरेसी कौन सी पहल शुरू की है? सरला। ओके, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, आगे 25% डिस्काउंट पर आपको फ्री डिलीवरी के साथ बुक्स अवेलेबल हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट की चाहिए आपको, किसी भी मीडियम में चाहिए, सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, तो आप आज ऑर्डर कीजिए। 12th महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया यानी भारत में महारत्न मिनी रत्न नवरत्न महारत्न कंपनियों के स्टेटस होते हैं, तो RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है 12th महारत्न कंपनी इंडिया की। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के G20 समिट के लिए कौन सी थीम लॉन्च की है? तो ये कौन सी थी? वसुधैव कुटुंबकम। ओके, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉरपोरेशन, ये तीनों के तीनों दिए जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये होता है इनडायरेक्ट एक्साइज टैक्स, अब तो होता भी नहीं है ठीक से। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के ने कौन सा एक ग्रुप बनाया है? तो वो है ओपेक। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक होता है, कौन मैच नहीं करता? लक्ष्मू महाराज कथक के डांसर, बिस्मिल्लाह खान सैने बजाते थे, जाकिर हुसैन तबला के बहुत फेमस तबला प्ले करते हैं, बेगम अख्तर नहीं, ये तो कोई भरतनाट्यम संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। तो इनमें से कोई नहीं, राजीव कुमार है वर्तमान में चुनाव आयुक्त। इनमें से कौन लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध था? तो गोपाल हरि देशमुख को माना जाता है लोकहितवादी। ये थे 25 सवाल आपके ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन से। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आरवी साल और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ACC का अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। तो आइए देखते हैं क्या है इस मॉडल पेपर में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें चार जोड़ने पर वह 27, 35 और 21 से विभक्त हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 27, 35 and 21। तो पहले हम क्या करें, LCM, सबसे बड़ी संख्या को हम LCM बना लें 35 को। अब 35 के बाद हम चलेंगे 21 के पास 3 है, 27 का मतलब 3 की पावर इसमें 3 है, 27 से पूरा ही पूरा मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करो? 27 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 पचे कितना आएगा? 35। कह रहा है वह संख्या आज में 4 जोड़ने पर, तो 4 घटा लो, यूनिट 1 आ रहा है, यूनिट 1 एक ही जगह है, 941 इज द करेक्ट आंसर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने क्या कहा, गुणा करके 4 घटा लेते, हमने सीधे यूनिट लिया, 5 7 35, 5 7 35 की इकाई 5 है, 4 जोड़ने के लिए कहा था, तो मतलब हमें 4 इसमें से घटाना पड़ेगा, यूनिट 1 आया, करेक्ट आंसर आपका हो गया, करेक्ट आंसर 941। यहाँ पर दे रखा है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन। तो देखिए, जब भी कभी नीचे दी हुई संख्या दोनों से छोटी हो तो आपका करेक्ट आंसर ए प्लस बी होगा। क्या होगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सेटिंग में जब भी कभी नीचे जो दी गई वैल्यू है वो लेस देन ए एंड बी, ए एंड बी दोनों हो, मतलब ए और बी दोनों से छोटी हो, तो करेक्ट आंसर ए प्लस बी होगा। 3.4567 में 3.4533 जोड़ दो तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, 5 5 10 11, 4 4 8 1 9, 3 3 6 6.91 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक सही 441, एक सही 88/441, तो क्या हो गया आपका 441+88/441, क्या 21 दो जगह, ये तो हो नहीं सकता। चलो ऊपर कितना है आपका 8 1 9, 8 4 12 और 4 1 5, 529/441, ये 23 का वर्ग है और ये 21 का वर्ग है, सही ना, का वर्गमूल, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, एक सही 2/21। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्लब के प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या के 3 गुने से 10 रुपया अधिक अंशदान किया। यदि कुल अंशदान 3000 हो तो सदस्यों की संख्या, एवरी मेंबर ऑफ अ क्लब डोनेट्स 10 रुपी मोर देन ट्वाइस, तो 10 का 2 गुना 20, 20 से 10 30। अगर 30, अब भाई देखिए समझिए, सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या 10 हो नहीं सकती, सदस्यों की संख्या के 3 गुने से 10 रुपया ज़्यादा, सदस्यों की संख्या के 3 गुने से 10 रुपया ज़्यादा, ये 30 है करेक्ट आंसर। देखो 30 लोग हैं, इसका 3 गुना 90, 90 से 10 रुपया ज़्यादा 100, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों पर हिट एंड ट्राई मेथड सबसे सटीक, क्योंकि वैसे आप बनाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, कोई मतलब नहीं होता उसका। कह रहा है कि 4^61 + 4^62 + 4^63 + 4^64 किससे डिविजिबल है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म कॉमन कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 4 का स्क्वायर 4 आएगा, दूसरा पद क्या आएगा पूरा 4 आएगा, तीसरा 4 का स्क्वायर आएगा, चौथा 4 का क्यूब आएगा, ये हो जाएगा आपका 4^61 × 85 को डिवाइड करने वाली संख्या 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 और 7 है बराबर x/49 है, 7 × 49 यक्स का मान 28 है, यक्स का मान कितना 28, 140 कौड़ी में इसको इधर कर दो तो 140 के आगे रूट लगा दिया, रूट में यक्स है बराबर, ये हो गया आपका 700, कितना हो गया 700, तो 0 से 0 कैंसिल, 14 × 5 = 70 हो गया, तो कड़ी में 25 होगा, कितना होगा कड़ी में 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन सिंह अपनी राशि का 1/5 भाग जेब खर्च के रूप में, शेष का 4/1/5 भाग एक जगह खर्च किया, शेष का 4/5 भाग खर्च किया, बचा उसके पास 48 × 4/4 में से 1 गया 3 × 5/5 में से 4 गया 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48 × 4 = 48 में से गया 3, 5/5 में से 4 गया 1, सही है, तो ये कितना आपका 48 बचा है ना, तो 48 को जब हम 3 से काटेंगे तो 16 ना आएगा, 48 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, तो 16 × 5 = 80, 8 8 4 = 32, 320 रुपया, कितना उसके पास 320 रुपया। CDS CPF FAF CAT ACC ICG की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का तो है MKC। आप बिना भटके बिना सोचे बिना सब, क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हमारा रहा है इस सेक्टर में, आज तक कोई सिलेक्शन के मामले में जोड़ीदार नहीं मिल पाया जिसको हम लोग खोज भी रहे हैं, तो आप 9696330033 पे कॉल करें और अपनी सीट सुरक्षित कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक टैंक का 1/5 भाग पानी से भरा है, एक टैंक का 1/5 भाग पानी से भरा है, इसमें से 8 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, मतलब 1/5 - 1/
6 बराबर 8 है तो कितना आ जाएगा, 1 बटे 30 बराबर 8 का मतलब 1 बराबर 240 लीटर। टंकी कितने लीटर की होगी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 240 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अवरोही क्रम में है, डिवाइड करके ले चलना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 140 समझ के भाग लगा दूं 25 से, दशमलव आ जाएगा, तो 25 छक्का 150 होता है, 25 पंजे 125, ये कितना है आपका 230 को अगर मैं 25 से भाग लगा दूं तो कितना आ जाएगा 230 को, तो 25 नवा 225 होता है। तो देखो क्या कर रहा है, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में हो गया। अब यहाँ पर 23 बटे 25 का मतलब 0.9 है, 14 बटे 15 को अगर हम भाग लगा दें तो 15 सत्ते 135 होता है, ठीक है। 19 बटे 21 तो 190 को 21 से लगा लें तो कितना जाएगा, 6 7 इक्का 7, 7 दूनी 14, ये भी नहीं हो पा रहा है। अब देखो 14 बटे 25 का मतलब 0.7 के करीब है, सॉरी 0.7 नहीं भाई, 140 है ना, 140 है तो 25 पंजे 125, 0.5 के करीब है, 0.5 के करीब है। ये कितना हो रहा है फिर आपका, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 के हो जा, 8 हो जा रहे हैं, 0.5 तो घट बढ़ जा रहा है। और ये 19 बटे 25 कितना आ रहा है, 19 बटे 21 जब हमने निकाला था तो ये 190 ये तो पक्का है कि इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, और हमको क्या चाहिए, डिसेंडिंग कम चाहिए, कम चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। फिर जो बचा वही है, अब सॉल्व नहीं करेंगे, तीन हमने चेक कर लिया, चौथा हमने डायरेक्ट लगा दिया। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 3 रूट 3 माइनस कितना आएगा 4 और माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 ये हो जाएगा। और इसके साथ ये मल्टीपल कितना है 2 माइनस 5 रूट 3 सही है, तो 6 में से 4 गया 2 माइनस 5 रूट 3 अपॉन नीचे भी क्या है आपका, नीचे भी क्या है आपका 2 माइनस 5 रूट 3, इट मीन्स इस सवाल का करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 इक्का 5 चार 9 बटे 5 का मतलब 5 यहाँ करिए 9 यहाँ करिए, 9 इक्का 9 और 9 और ये 5 ते 15 कितना हो जा रहा है, 9 इक्का 9 ये 5 इक्का 5 चार 9 बटे 5 5 बटे 9 तो 9 इक्का 9 15 9 कितना 24, 24 बटे 9 का मतलब 9 बटे 24 हो जा रहा है, तो 24 इक्का 24 और 9 दूनी 18, 24 18 कितना 42 बटे 24, 42 बटे 24 का मतलब 21 बटे 42 बटे 24 है ना, 9 दूनी 18, 24 इक्का 24 18 42 बटे 24 ठीक है, तो 21 बटे 12 का मतलब 7 बटे 3 7 बटे 4 करेक्ट आंसर ए ऑप्शन में 7 बटे 4। 12 30 के तृतीय अनुपाती, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 12 का ढाई गुना तो 30 का ढाई गुना कितना होगा 75, 30 दूनी 60 और 15 75 ठीक है। 9 और 25 का मध्यानुपाती कितना होगा, मध्यानुपाती 3 5 15 कितना रेशियो आएगा 5:1 आपका करेक्ट आंसर है। क्या होता है मध्यानुपात, तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, और क्या मध्यानुपाती होता है रूट में ए बी, जब सॉल्व करिएगा तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सबसे बड़ा है, तो यहाँ रूट के पावर का हम, रूट के पावर का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, रूट के पावर का हम क्या करते हैं एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये रूट में 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3, ये रूट में 2 की पावर कितना होगा 2 होगा, ये रूट में 2 की पावर 3 होगा, और ये रूट में 4 की पावर 2 होगा। तो सबसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी ये वाली संख्या है, पहली वाली संख्या बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 के पावर 2n माइनस 1 का मतलब क्या है, 27 के पावर 2 मतलब 3 की पावर कितना है आपका, 3 की पावर
3 हो गया, तो 6n माइनस 3 बराबर 3 की पावर, ये 5 तिहाई 15 है, कितना है 15, तो 6n माइनस 3 बराबर 15, तो 6n बराबर 18, तो n बराबर 3 आएगा जो आपके ए ऑप्शन में अवेलेबल है। क्या है आपका n बराबर ए। बिमला और कमला की आयु का 12 16 है, तो उनका औसत क्या होगा, 12 प्लस 16 बटे 2 का मतलब 14, क्या होगा 14। 200 बात समझ रखनी। अच्छा पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे बहुत चीप बहुत सर हल्का क्वेश्चन आप लगा रही है ये पेपर, तो टफ पेपर हल्का टफ क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 2000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटोगे, सी को ए तथा बी का, सी को ए तथा बी का 1/4, मतलब सी और ए और बी का जो रेशियो है वो 1/4 का है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर लें, सी को बी और ए के, अच्छा बी तथा ए को बराबर बराबर मिले, तो यहाँ से 4 और 1 5 है, 5 बराबर 2000, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 400, 1 बराबर 400, तो ए और बी को 4 मिले, 4 बराबर 1600, 1600 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 800। आपके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अच्छी किताबों का चयन करना, वो वाला काम भी वो वाली जिम्मेदारी भी एमकेसी ने आपसे ले ली कि हमारे ऊपर वो भी छोड़ दो आप। एमकेसी पब्लिकेशन की जो किताबें हैं जो 25% के डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं दोस्तों, वो जनरल नॉलेज हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश हो, सारी किताबें बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ बनाई गई हैं, 100 मतलब एक पूरी टीम के साथ 10-10 बार के प्रूफ रीडिंग के बाद किताबें बनाई गई हैं, तो आपको बिल्कुल कोई और किताब पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है आप इन किताबों को अभी ऑर्डर करें जो हम आपको फ्री डिलीवरी मतलब बिना किसी डिलीवरी चार्ज के पहुंचा रहे हैं घर तक। नेक्स्ट, हजारी मुरारी की कुल आय 30% 3000 है, हजारी अपनी आय का 60%, मुरारी 80% व्यय करता है। तो देखो अगर मान लो 3000 रुपया दोनों की आय है, तो हजारी की आय मान लो यक्स है, तो मुरारी की 3000 माइनस यक्स हो जाएगी। अब दोनों की बचत समान है, द टोटल इनकम ऑफ हजारी एंड मुरारी 3000, हजारी स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम एंड मुरारी स्पेंड 80%। तो देखो अगर यक्स का 60% खर्च हो गया तो यक्स का 40% बच गया, ये बराबर है 3000 माइनस यक्स के 80% खर्च हुआ, तो 20% बच गया, बचत बराबर है 20 × 2 = 40, 2x बराबर 3000 माइनस यक्स, 3x बराबर 3000, तो यक्स बराबर 1000, यक्स बराबर 1000, कहने का मतलब कि हजारी की आय कितना 1000। किसी त्रिभुज एबीसी में एडी इन अ ट्राइंगल एबीसी, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है, क्या करें बीडी 5 है, बीडी कितना है 5 है, बीसी 7.5, पूरा 7.5 है, 5 है तो 2.5 होगा। अब हमसे क्या पूछा है, आपको बस एक थ्योरम पता होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। तो मतलब हमको ये पता चल गया कि जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा वो बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर, बी डी कितना 5, डी सी कितना 2.5, ये रेशियो 2:1 का आ जाए, कितने का आ जाएगा 2:1 का, जो आपके पहले ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में, सी कितना दिन में 15 दिन में, तीनों का एलसीएम 60 ले लिया, 10 × 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 60/15 का मतलब 4, कहने का मतलब तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4 दिन में। एक व्यक्ति मसूरी से बेंगलोर एक निश्चित चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, आपको पता होना चाहिए औसत चाल 2UV/U+V किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तब जबकि डिस्टेंस सेगमेंट सेम होगा, जबकि डिस्टेंस सेगमेंट क्या होगा सेम होगा, तो आपने कहा 2 × 40 ×
60 बटे 100, तो दोनों जीरो से कैंसिल, 4 दूनी 8 6 48, ए ऑप्शन में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए पेपर को मैं तेजी से सॉल्व कर रहा हूँ, वही अप्रोच जैसा एग्जाम में आपका होना चाहिए, आप भी डाउट होगा तो देखेंगे। एक घन का आयतन 1728 है, आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब 1728, कौन नहीं जानता, फिर ए 12 है, ए कितना है बच्चा 12, हमसे क्या पूछा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², तो 6a का स्क्वायर 144, इकाई पर एक ही जगह 4 है, तो काहे लिए सॉल्व कर, दूसरी जगह था लेकिन 144 था। उमेश तथा भुवनेश ने क्रमशः 36,000-63,000 निवेश करके व्यापार आरंभ किया, लाभ इतना है, तो उनका जो उमेश और भुवनेश का जो लाभ बटेगा वो 36 और 63 के रेशियो में बटेगा, तो 9 चौक 36, 9 7 63, 7 और 4 11, क्या पूछा है, दोनों का लाभ 11 = 5500, तो 1 = 500, 4 = 2000, 2000 और 3500, 2000 और 3500, 70 का 20%, तो 70 का 1/5 का 1/2 का 3/4, 5 और 20 से 20 कट गया, 3 का 1/2, 70 का 20% का 50% का 75%, 70 × 1/5 × 1/2 × 3/4, तो 5 और 20 से 20 कट गया, 3 का 1/2, 70 का 20% 14, 14 का 50% 7, 7 का 3/4 21/4, हाँ ठीक है, ये गलत हो रहा था, बोर्ड मास ने यहाँ पे थोड़ा सा खतरा किया था, कितना आएगा 5.7 7 21/4। ओके अगला क्वेश्चन, कितने समय में 600 रुपये का ब्याज, तो 6 पंजे कितना आ गया 30, 6 पंजे कितना आ गया 30, 30 में कितने से गुणा करें 4 से, करेक्ट आंसर ये 4 है। तो ये रहा आपके लिए एसीसी के दोस्तों के लिए, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट के दोस्तों के लिए अर्थमेटिक का 25 क्वेश्चन, क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से सेलेक्ट किया गया है, ये सारे वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि मॉडल पेपर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जय हिंद।